बीएचयू के सिंह द्वार के नीचे जरा सा ये आवाज सुनिए, ये आवाज है आक्रोश का। और मतलब अगर समझना है तो जरा इन विरोधी और या गुस्से में जो लड़कियां नजर आ रही हैं उनके हाथों में ये जो हैंड बिल्स हैं या फिर पंपलेट हैं, इनको पढ़िए, आपको पता लग जाएगा इस गमे गुस्से की वजह। दरअसल मामला यूं है कि एक छात्रा जो भारत कला भवन बीएचयू परिसर में कल शाम को उसके साथ एक हिंसक छेड़खानी की शिकायत मिली, वाइस चांसलर उस पर कोशिश किए, बीच बचाव का त्रिवेणी हॉस्टल खुद पहुंचे थे वो, लेकिन छात्राओं ने आक्रोश इसलिए जताया कि कार्रवाई अब तक कुछ नहीं हुई और लगातार एक के बाद एक ऐसी घटनाएं पूरी विश्वविद्यालय में होती चली आई हैं और जो इसके आरोपित शिक्षक या छात्र रहे हैं बीएचयू प्रशासन दरअसल उनको अब तक बचाने की कोशिश करता रहा है। आप बताएंगी कि ये गुस्सा क्यों है? देखिए, एक लड़की के साथ बहुत बुरी तरह से मिसबिहेव किया गया है और हम लोग प्रोटेस्ट सिर्फ उसी लिए कर रहे हैं बिकॉज वी वॉन्ट जस्टिस, बिकॉज यहाँ पे हम लोग अपने घर से दूर आए हैं, अपने मम्मी पापा के प्रोटेक्शन वो चाहते हैं कि मम्मा पापा प्रोटेक्ट। आप बताइए ये गुस्सा क्यों है, ये गुस्सा क्यों है? ये बात नहीं करेंगे किसी से, जस्टिस चाहिए, बात नहीं करेंगे आप लोग किसी से, क्यों गुस्सा है इतना? आखिर ये वजह गुस्से की क्या बनी है, क्यों बनी है, क्यों इस तरह से स्थिति आई है कि लड़कियां नाराज हैं, जरा हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये गुस्सा क्यों है। सर, हमें जिससे बात करनी है हम उससे बात करेंगे, हम ऐसे मीडिया पे कुछ नहीं बोलेंगे। अब ये देखिए, ये एक निराशा है और निराशा की जो वजह है वो कार्रवाई अब तक न हो पाना और किसी के द्वारा इस जो ये विषय है जिस वजह से ये छात्राएं नाराज हैं उस पर कोई ठोस कार्रवाई न कर पाना, ये बात थोड़ी बहुत तो आप समझने की कोशिश करिए। इनके जो लिखे हुए हाथों में पंपलेट है उसके जरिए समझा जा सकता है, लेकिन बात ये है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आने वाले हैं और लगभग 4 घंटे बाद प्रधानमंत्री शहर में होंगे, लगभग 2:45 बजे के आसपास, और इस वक्त जो हालात हैं वो आपके सामने हैं बीएचयू गेट पर जहाँ पे छात्राएं विरोध कर रही हैं। आप सजा धजा जरा मंच देखिए पीछे की तरफ, प्रशासन यहाँ खड़ा है और प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, ये एक विरोध का सबसे बड़ा कारण है जिसमें फिलहाल बहुत कुछ अभी लड़कियां बताने में असमर्थ हैं या बता नहीं पा रही हैं। कैमरामैन संजय गुप्ता के साथ निमेश राय।